नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती एल टी ग्रेड की। लिखा नियुक्ति तक अटकी रहेंगी चयनितों की सांसें। वास्तव में आज से एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसी को लेकर यह सूचना है। लिखा एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ और एसआईटी की जांच अभी भी जारी है। ऐसे में नियुक्ति मिलने तक चयनितों की सांसें अटकी रहेंगी। सभी को मामले में एसटीएफ और एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 विषयों में शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक 8 विषयों का रिजल्ट जारी कर चुका है। पेपर लीक मामला सामने आने से पहले आयोग ने 7 विषयों के रिजल्ट जारी करते हुए अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था। इस बीच पेपर लीक प्रकरण सामने आ गया, आयोग ने सत्यापन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। आयोग ने 10 अक्टूबर को सत्यापन का नया कार्यक्रम जारी किया जो 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। मंगलवार को संगीत पुरुष शाखा, कृषि पुरुष शाखा, वाणिज्य महिला एवं पुरुष शाखा, तो ये सत्यापन आज से शुरू होगा और 8 नवंबर तक सत्यापन चलेगा। लेकिन विद्यार्थियों को संदेह रहेगा कि आगे भर्ती में क्या होगा। इसके बाद में अगली सूचना भी एल टी ग्रेड की ही है। लिखा रिजल्ट जारी कराने की कवायद तेज करेंगे। पेपर लीक प्रकरण में फंसी एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। तो इसमें बात यह है कि 2 विषयों का परिणाम फिलहाल अभी रोक दिया गया था कुछ दिनों के लिए, तो उसी को लेकर के ये सूचना है। विद्यार्थी फिर से एक नई रणनीति बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग मजबूर हो और रिजल्ट सामाजिक विज्ञान और हिंदी का भी जारी हो। यहाँ पर लिखा है कि 29 जुलाई 2018 को हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हुआ था। वाराणसी एसटीएफ उसकी जांच कर रही है। साल भर से अधिक समय बीतने के बावजूद जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों ने एसटीएफ पर जांच जल्द पूरी करने का दबाव बनाने का निर्णय किया है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल 20 अक्टूबर से पहले पहले वाराणसी एसएसपी से मिलने जाएगा। इसके पहले भी कई बार प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज से वाराणसी एसएसपी मिलने गया है और एसएसपी से जांच प्रक्रिया में तेजी लाकर रिपोर्ट देने की मांग होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 सीट दाखिल हो गई है और 4 सीट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिसमें परीक्षा को लेकर के कोई विसंगति दिखाई दी। और जो 4 सीट दाखिल की गई थी अंजू कटियार के खिलाफ और जो अभी तक जांच हुई है उसको लेकर के अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर या पूरा प्रकरण वास्तव में सही था। और जो अभी तक जांच हुई है और अभी तक जो प्रगति रिपोर्ट मिली है उसमें कुछ भी बड़ा सबूत या कुछ भी बड़ी बात अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। केवल एक ही व्यक्ति की कहानी है जिसने बताया है कि पेपर ऐसे आउट हुआ था, मुझे वाले लोग लिवा गए थे, फिर उसको जला दिया गया, 50 लोगों को दिया गया। लेकिन चूंकि जिन 50 अभ्यर्थियों को वो पेपर मिला था बताया जा रहा है वो सभी उनमें से आधे अभ्यर्थी तो परीक्षा में बैठे नहीं थे और जो अभ्यर्थी हैं बाकी के वो सब फेल हो रहे हैं, इसलिए ये बात और कमज़ोर हो रही है। और इसीलिए जो बाकी के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जा रहे हैं और जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका भी परिणाम जल्द जारी होगा। कुल मिलाकर ये पूरी बात ये है कि अभी तक जो भी जांच हुई है उसमें कुछ कोई भी बड़ी चीज़ नहीं मिली है। अगली सूचना है परीक्षा परिणाम जारी कराने के लिए प्रदर्शन। कृषि प्राविधिक सहायक वर्ग 3 का परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग कई बार परिणाम जारी करने की तिथि घोषित कर चुका है लेकिन हर बार टाल देता है। अभ्यर्थियों के रोष को देखते हुए आयोग के परीक्षा नियंत्रक से वार्ता कराई गई। अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि परिणाम बनाया जा चुका है और इस पर अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म कर दिया। तो बिना प्रदर्शन किए, बिना धरना प्रदर्शन के कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में भी कितनी बार विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया वीडियो के रिजल्ट को लेकर के, और उसके बाद में एल टी ग्रेड शिक्षक भर्तियों के लिए विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, तब दोबारा रिजल्ट शुरू हुए आना। और इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी रुकी हुई थी और चूंकि उत्तर प्रदेश जो महाधिवक्ता है वो अपना पक्ष रखने हाई कोर्ट ही नहीं पहुंच रहे थे, तो इसके लिए भी विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और मजबूर कर दिया। और उसके बाद में जो महाधिवक्ता हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह वो हाई कोर्ट पहुंचे और सरकार का उन्होंने पक्ष रखा।
इसी तरीके का एक और धरना प्रदर्शन आज होने जा रहा है, कल भी हुआ था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती का, टीजीटी पीजीटी भर्ती का। ये मामला 2016 का है और 16 की जो परीक्षा है वो काफ़ी दिन पहले हो गई थी, अभी तक उसका परिणाम ही जारी नहीं हुआ। परीक्षा इसकी हुई थी फरवरी और मार्च के महीने में टीजीटी और पीजीटी की। इसको लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और विद्यार्थियों ने कल एक धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद में आज भी एक विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। आज 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर विद्यार्थियों का विशाल धरना प्रदर्शन है। जो भी विद्यार्थी प्रयागराज के आसपास के हों वो वहाँ पे पहुँच जाएँ, तभी आपका परिणाम आएगा और तभी नई भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। इसके बाद में एक और सूचना है, एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। लेखा कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग की ओर से 23 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा के मध्य में कुल 64,902 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पर आपत्ति के लिए 17 अक्टूबर से 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 100 रुपये जमा भी करना होगा। इसके बाद में एक और सूचना है, आप लोगों के काम की है, लिखा है यूपी बोर्ड की वेबसाइट से स्वयं करें सत्यापन। यूपी बोर्ड ने 2003 से 2019 तक के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट www.results.upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों की ओर से अब स्वतः अभ्यर्थियों के वर्ष 2003 से लेकर के 19 तक के हाईस्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों का सत्यापन वेबसाइट से देखा जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि यह सत्यापन के बाद किसी छात्र छात्रा का विवरण उसकी ओर से उपलब्ध कराए गए अंकपत्र प्रमाण पत्र से अलग पाया जाता है तो उसका सत्यापन बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से करा सकते हैं। और अंत में हमेशा की तरह एक करंट अफेयर की सूचना है, लिखा है अभिजीत ने 50 लाख भारतीय बच्चों को दिशा दी। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी, उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और यहाँ नीचे लिखा है माइकल क्रेमर। तो जो अभिजीत बनर्जी हैं इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और JNU से MA किया है, उसके बाद में आगे की पढ़ाई और रिसर्च इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। और जो एस्थर डुफ्लो हैं वो इनकी पत्नी हैं। लिखा है अभिजीत की देखरेख में PhD। एस्थर डुफ्लो का 1972 में इनका जन्म हुआ था। फ्रांसीसी मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री डफ्लो ने इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है और 1994 में पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MA की डिग्री हासिल की है। 99 में MIT से PhD भी की है और MIT में ही पावर्टी एलिविएशन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं नीचे लिखा हुआ है और नीचे है माइकल क्रेमर। ये माइकल क्रेमर अमेरिका के रहने वाले हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और इसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD भी की है। गरीबी के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको नोबेल का ये पुरस्कार मिला है। लिखा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी के शोध से भारत के गरीब दिव्यांग बच्चों को सीधा लाभ हुआ है और उनके अध्ययन के आधार पर ही भारत में गरीब दिव्यांग बच्चों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है जिससे करीब 50 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं। नोबेल कमेटी ने कहा है कि अभिजीत के शोध का परिणाम ही है कि भारत के लाखों बच्चों को स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं, रिमेडियल क्लास का लाभ मिला और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता केजरीवाल ने भी अभिजीत बनर्जी को यह कहकर बधाई दी है कि उनके बनाए मॉडल से प्रेरित होकर उनकी सरकार ने राजधानी के स्कूलों की दशा बदल दी। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये बाद में शुरू किया गया है और इसकी जो शुरुआत हुई थी पहली बार ये पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया है और 1969 में मिला था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचनाएं आप अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।